मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्बिनेशन लॉजिक डिज़ाइन के नेक्स्ट ई लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। तो आज के हमारे इस कॉम्बिनेशन लॉजिक डिज़ाइन के ई लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मल्टीप्लेक्सर, और मल्टीप्लेक्सर कौन कौन से हैं, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मल्टीप्लेक्सर और 16:1 मल्टीप्लेक्सर। आज हम मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में बात करेंगे, इनके लॉजिक सर्किट के बारे में बात करेंगे, इनकी कार्य प्रणाली के बारे में बात करेंगे। मल्टीप्लेक्सर बेसिकली होते क्या हैं? मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है मैनी टू वन। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द टर्म मल्टीप्लेक्स मीन्स मैनी टू वन, यानी कि ऐसा सर्किट जो जिसमें इनपुट बहुत सारे हों पर जो आउटपुट हो केवल वन हो। तो मल्टीप्लेक्सर की एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है कि मल्टीप्लेक्सर ट्रांसमिट लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल टू ए स्मॉलर नंबर ऑफ चैनल, यानी कि ये मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट चैनल्स को एक सिंगल चैनल या कम संख्या के चैनल में ट्रांसमिट करता है। और डिजिटल मल्टीप्लेक्सर क्या हो सकता है? डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट डेट सेलेक्ट बाइनरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द मैनी इनपुट चैनल एंड ट्रांसमिट टू सिंगल आउटपुट लाइन। यानी कि मल्टीप्लेक्सर ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें एक से अधिक इनपुट हो सकती हैं परंतु केवल उसमें आउटपुट चैनल यानी कि आउटपुट केवल एक ही आती है। तो मल्टीप्लेक्सर बहुत सारे चैनल्स को एक ही सिंगल चैनल में ट्रांसमिट करता है, और यह बहुत सारे चैनल में से कैसे सेलेक्ट करता है उसे आगे देखते हैं। देखिए, कोई भी डिजिटल मल्टीप्लेक्सर होगा तो उसमें 2^n यानी कि 2^n इनपुट चैनल होते हैं, और इन इनपुट चैनल को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, इन इनपुट चैनल्स को n नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी कि इनपुट चैनल की संख्या होगी 2^n और आउटपुट चैनल हम पहले बता चुके हैं केवल एक होगा और सेलेक्ट लाइन होगी n। और एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट लाइन है 4, तो इनपुट चैनल कितने होंगे, 2^4 इजिकल्स टू 16। तो इस प्रकार से मल्टीप्लेक्सर में इनपुट चैनल एवं सिलेक्ट लाइन के मध्य संबंध होता है, और इसी के आधार पर हम आज पढ़ेंगे 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मल्टीप्लेक्सर एवं 16:1 मल्टीप्लेक्सर। तो बात करते हैं सबसे पहले 4:1 मल्टीप्लेक्सर की। 4:1 मल्टीप्लेक्सर, जैसे कि इन सभी का नाम में यह प्रदर्शित है, यहाँ पे 4 इनपुट चैनल को दर्शाता है और 1 आउटपुट चैनल को दर्शाता है। अगर मैं लिखूँ 4:1, तो 4:1 का मतलब है 4 तो इनपुट चैनल है और 1 आउटपुट चैनल है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लेक्सर की नेमिंग या नामकरण किया जाता है। 4:1 मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट चैनल होते हैं और केवल आउटपुट चैनल एक ही चैनल से जाती है, यानी कि इन 4 में से केवल एक इनपुट को आउटपुट में भेजा जाता है। तो इसमें सिलेक्ट लाइन की संख्या 2 होगी, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं 2^n, तो ये तो हमारे इनपुट चैनल हो जाएंगे और n क्या हो जाएंगे, हमारी सिलेक्ट लाइन हो जाएगी। तो इस प्रकार से सभी को बनाया जाता है। यहाँ पर n जो है उसकी संख्या 2 है, तो 2^2 इजिकल्स टू 4 है, यानी कि 2 तो सिलेक्ट लाइन होगी और 4 इनपुट चैनल होंगे। अब इसका देखिए डायग्राम कैसा दिखता है, देख सकते हैं हम। ये है 4:1 मल्टीप्लेक्सर का एक ब्लॉक डायग्राम है। ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर का एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 इनपुट चैनल है, I0, I1, I2 एवं I3। ये सारे के सारे इनपुट चैनल है जो यहाँ पे देखिए इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, और इसमें 2 सिलेक्ट लाइंस होगी, यानी कि जो इन इनपुट चैनल को सिलेक्ट करने का काम करेंगे वो है S1 और S0। और इसमें एक सिग्नल और है EN, EN इनेबलिंग का काम करता है। जब तक इनेबल का मान 1 होगा, यानी कि EN का मान जब तक 1 रहेगा, तब तक ही ये मल्टीप्लेक्सर क्या रहेगा, इनेबल यानी कि ऑन रहेगा, और आउटपुट इस चैनल पर प्राप्त की जाती है। तो ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर है जिसमें 4 इनपुट चैनल
दो सिलेक्ट लाइन एवं एक आउटपुट होती है। अब देखिए इन सिलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशन से हम I0, I1, I2 एवं I3 को सिलेक्ट करके आउटपुट Y पर भेज सकते हैं। देखिए कैसा होगा ये, एक ट्रुथ टेबल के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए ट्रुथ टेबल में दिख रहा आपको सिलेक्शन इनपुट नाम से कॉलम दिख रहे हैं, उसी प्रकार से इनपुट चैनल के लिए कॉलम दिख रहे हैं, और आउटपुट क्या रहेगी उन सिलेक्ट लाइन एवं इनपुट चैनल के माध्यम से। तो देखिए सिलेक्ट लाइंस जो कि दो हैं, तो सिलेक्ट लाइन की कॉम्बिनेशन कितनी हो सकती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट लाइन की कॉम्बिनेशन है, चार कॉम्बिनेशन 0 0, देन अगेन 0 0, 0 1, 0 1, 1 0 एवं 1 1, ये इनको दो दो बार रिपीट किया गया है। परंतु देखिए इसमें होगा क्या, एग्जांपल इसमें दोनों कंडीशन दिखाई गई है। अगर मान लीजिए किसी चैनल से एग्जांपल के तौर पर मैं सिलेक्ट करता हूँ S1 और S0 की वैल्यू 0 0 करता हूँ, तो इसका मतलब है कि आउटपुट केवल I0 से जाएगी। ये कॉम्बिनेशन जो है सिलेक्ट लाइन की वो I0 चैनल के लिए है। अगर 0 0 मान रहेगा S1 एवं S0 का, तो उस समय जो कि इनपुट है वो I0 से ली जाएगी। अब इनपुट चैनल I0 है तो उस पर दो वैल्यू जा सकती हैं, या तो कोई सी भी एक वैल्यू जा सकती है, या तो 0 जा सकती है या 0 I1 जा सकती है। तो जब दोनों ही केस में देखिए यहाँ पे 0 0 सिलेक्टेड है, यानी कि केवल I0 से ही इनपुट ली जाएगी। तो पहले I0 1 0 भेजता है तो आउटपुट Y 0 हो जाती है, और वापस जब उसकी वापस बारी आती है तो I0 1 भेजता है और तब आउटपुट Y हो जाती है। यानी कि दोनों ही केस को यहाँ पे दर्शाया गया है कि I0 पे जब 0 भेजा जाता है तो आउटपुट पे 0 प्राप्त होगा, एवं जब I0 चैनल पे 1 आएगा तो आउटपुट पे Y प्राप्त 1 प्राप्त होगा। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब कि Y = हो जाएगा I0 जब भी S1 F0 का मान 0 0 रहेगा। उसी तरह से आप देखिए जब S1 एवं S0 का मान 0 1 है, तो चैनल 1 इनपुट चैनल I1 से इनपुट ली जाएगी इन दोनों केसेस में। और इसमें भी देखिए दोनों केसेस की बात की गई है, यहाँ 0 एवं 1, तो उस समय 0 और उस समय 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे X दर्शाया गया है। इस X का मतलब ये सभी के सभी क्या है, डोंट केयर टर्म्स है, यानी कि इनका इनपुट पे यानी कि आउटपुट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब S1 S0 का मान 0 0 है तो केवल I0 से ही इनपुट ली जाएगी, बाकी के सारे चैनल्स को हम डोंट केयर के रूप में ट्रीट करेंगे। तो इस प्रकार से 4:1 मल्टीप्लेक्सर में इनपुट चैनल को सिलेक्ट किया जाता है। अब देखिए इस ट्रुथ टेबल के आधार पर इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो मल्टीप्लेक्सर में बेसिकली एंड गेट और गेट का उपयोग होता है, और साथ ही साथ S1 एवं S2 यानी कि जो सिलेक्ट लाइंस होती हैं उनमें प्रत्येक चैनल के लिए हमें अलग अलग से नॉट गेट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें तीन प्रकार के गेट उपयोग में आते हैं, एंड गेट, और गेट एवं नॉट गेट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लॉजिक सर्किट है इसमें चार इनपुट चैनल है, I0, I1, I2 एवं I3 एवं दो सिलेक्ट लाइन है S1 S0। अब देखिए यहाँ पे पहले गेट की बात करते हैं, पहले गेट में I0 इनपुट के तौर पर आ रहा है, तो साथ ही साथ सिलेक्ट लाइन का मान होना चाहिए 0 0, यानी कि उसके लिए S1 बार और S0 भी बार होना चाहिए। तो देखिए S1 इसमें बार से नॉट गेट से होते हुए यहाँ पे एंटर हो रहा है, उसी प्रकार से S0 बार यानी कि S0 जब नॉट गेट में जाएगा तो S0 बार प्राप्त होगा और वो I0 वाले फर्स्ट एंड गेट में एंटर हो रहा है। तो जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो क्या आएगी, उसके लिए I0 S1 एवं S0 दोनों का बार, ये हमारे पास इस गेट के लिए एक्सप्रेशन आएगी। तो अब देखिए इसी प्रकार से हर एक गेट के लिए ऐसी एक्सप्रेशन आ जाएगी, जैसे I1 के लिए आएगी I1 और I1 S1 बार और S0, क्योंकि S1 बार S0 यानी कि क्या दर्शाएगा आपको 0 1, यानी कि हर एक चैनल के लिए S1 S0 का मान इसी प्रकार से एक एक्सप्रेशन के द्वारा लिखा जाएगा, एवं इसमें से जिस भी गेट के लिए उस समय S1 एवं S0 का मान होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर I0 के लिए S1 S0 का मान होना चाहिए 0
जीरो एवं जीरो। अब जीरो जीरो का जब बार करेंगे तो वन वन प्राप्त होगा, तो इस वाले गेट से आउटपुट क्या मिलेगा हमें, आई जीरो। तो आई जीरो हमें वाई पे प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह मल्टीप्लेक्सर कार्य करता है। तो ये था 4:1 मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम। देखिए यहाँ पे चार इनपुट चैनल थे एवं एक ही आउटपुट चैनल है, यानी कि हम मल्टीप्लेक्सर द्वारा क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल इनपुट चैनल में से किसी एक चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी किसके द्वारा, सिलेक्ट लाइन पर कॉम्बिनेशन के द्वारा। अब आगे बात करते हैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर की। 8:1 मल्टीप्लेक्सर बिल्कुल 4:1 मल्टीप्लेक्सर जैसा है, बस केवल इसमें क्या अंतर है, 8 इनपुट चैनल हो जाएंगे और सिलेक्ट लाइन उसके लिए कितनी होनी चाहिए, 3, क्योंकि 2^2 मैं जब 3 करता हूँ तो कितना आता है, 8। तो इस प्रकार से यह इनपुट एवं सिलेक्ट लाइन में, इनपुट चैनल एवं सिलेक्ट लाइन में ये संबंध स्थापित होता है। यहाँ पे 3 क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स, और 8 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इनपुट चैनल। और जैसे कि बात की जाती है कि मल्टीप्लेक्सर में केवल एक ही आउटपुट होता है, तो ये है आपका 8:1 मल्टीप्लेक्सर। इनको मल्टीप्लेक्सर को एक और नाम से भी जाना जाता है, डाटा सिलेक्टर, क्योंकि यह विभिन्न चैनलों में से किसी एक चैनल के डाटा को सिलेक्ट करता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डाटा सिलेक्टर भी कहा जाता है। और इन्हें इस नोटेशन के द्वारा भी दर्शाया जाता है, जो 8:1, जैसे यहाँ पे 8:1 लिखा है तो 8:1 भी इसे डिनोट किया जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 इनपुट हैं टोटल और 3 सिलेक्ट लाइन है, और यहाँ पे एक इनेबल है। अब मैं इनेबल की वहाँ पे चर्चा नहीं कर पाया था, मैं वापस से आपको इनेबल का मतलब समझाता हूँ। जैसे देखिए, इन सभी वाले गेट में अगर मैं एक इनेबल लाइन जोड़ देता हूँ, ये इनेबल, इनेबल, इन सभी नैंड गेट में मगर ई एक अलग से सिग्नल जोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, जब तक ई का मान 1 नहीं होगा तब तक ये पूरा लॉजिक सर्किट निष्क्रिय रहेगा, यानी कि इनेबल का मान 1 होने पर ही ये नैंड गेट ऑन होंगे, यानी कि 1 आउटपुट देंगे, यानी कि जो भी उसका इनपुट चैनल होगा उसका मान आगे फॉरवर्ड करेंगे। अगर मान लीजिए ई का मान 1 हो जाता है, तो ई का मान सॉरी 0 हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, सारे एंड गेट डिसेबल हो जाएंगे एवं वाई पे कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं होगी। तो ये इनेबल का एक एप्लीकेशन है। इनेबल के द्वारा हम जब चैनल नहीं होते हुए भी और होते हुए भी, तब भी हम गेट इस पूरे लॉजिक सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है इनेबल का। इनेबल केवल एक सिंगल इनपुट है जो हर एक एंड गेट पर जुड़ा होता है, जब तक उसका मन बन होगा तभी ये लॉजिक सर्किट ऑन रहेगा। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे 8:1 मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहे थे, हमने इसका ब्लॉक डायग्राम देखा। ये देखिए केसिंग में, यानी कि एक बॉक्स के रूप में दर्शाया गया है, और इसका लॉजिक सर्किट जैसे हम 4:1 की बात कर चुके हैं, वैसे ही 8:1 का लॉजिक सर्किट भी होगा। वहाँ पे भी नॉट गेट उपयोग लेंगे, एंड गेट का उपयोग आएगा एवं और गेट का उपयोग आएगा। तो ये 3 गेट मल्टीप्लेक्सर में यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए इसकी जो ट्रुथ टेबल है, हमने काफ़ी छोटी सी बनाई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने आई जीरो की जब हमने डी ले लिया, यानी कि जब डाटा सिलेक्टर का, डाटा सिलेक्टर भी कह सकते हैं इसको, तो D1 D2 ऐसे करते हुए 7 डाटा चैनल है हमारे पास। और ये देखिए S1 S2 S1 S0, ये इनपुट कॉम्बिनेशन है सिलेक्ट लाइन के लिए। जैसे 0 0 होने पर कौन सा इनपुट चैनल लेंगे, वाई पर क्या आएगा, D0। अगर ऐसे 101 की बात करें, 101 इक्वल टू होता है 5, तो चैनल नंबर 5 आपका इनपुट चैनल सेलेक्ट किया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर S2 S1 जो कॉम्बिनेशन है 111 होती है, तो यानी कि 7 होता उसका मान, तो D7 चैनल सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से सिलेक्ट लाइन के अनुसार इनपुट चैनल को सिलेक्ट किया जाता है, जो आउटपुट में फॉरवर्ड यानी कि ट्रांसफ़र हो जाती है। अब देखिए इसका सर्किट भी ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे देखिए नॉट गेट है, एंड गेट है एवं और गेट है, तो अलग अलग विभिन्न चैनल को देखिए, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7 सभी को इंडिविजुअली एक एक एंड गेट में लगाया गया है, और उसी प्रकार से S1 एवं S0 इनको एक तो सिंपली ट्रांसफ़र एवं नॉट गेट के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया है। मैं वापस से बात करूँगा जैसे इस चैनल की, इस चैनल पे जो एंड गेट पे जो एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी D0, और जैसे कि पता है कि D0 के लिए 0 0 0 मान होना चाहिए, यानी कि S, इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे,
P0, S3, S2 और S1, और तीनों पे बार आ जाएगा। तो ये जो है D0 इनपुट चैनल के लिए एक कॉम्बिनेशन यानी कि एक SOP है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म है, और सभी के लिए इंडिविजुअल सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म इसी प्रकार से बनेगी। देखिए यहाँ पे जब S3 S2 S1 का मान क्या होगा, 0 होगा, तो ये तीनों का मान नॉट गेट के द्वारा प्रवाहित होने के कारण क्या होगा, 1 1 1 हो जाएगा। तो जो इस वाले गेट पे आपको जो जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी केवल D0, और ये D0 यहाँ से होते हुए आउटपुट वाई पे आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस मल्टीप्लेक्सर में भी सेलेक्ट लाइन की कॉम्बिनेशन के आधार पर इनपुट चैनल को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये है 8:1 मल्टीप्लेक्सर की बात थी। अब हम बात करते हैं 16:1 मल्टीप्लेक्सर की। 16:1 मल्टीप्लेक्सर में और इनपुट की संख्या बढ़ जाती है, इनपुट की संख्या 16 हो जाएगी और आउटपुट तो 1 ही रहेगा, और सिलेक्ट लाइन 4 हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है 2^4 इज इक्वल्स टू होता है 16। तो ये इस प्रकार से ही इनपुट चैनल एवं सिलेक्ट लाइन में संबंध होता है, और हम इसकी बात सबसे पहली स्लाइड में कर चुके हैं, वहाँ से आप बार बार देख सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल सर्किट एक और बनता है यहाँ पर 16:1 मक्स मल्टीप्लेक्सर को, शॉर्ट फॉर्म में मक्स भी कहते हैं, यानी कि मल्टीप्लेक्सर। इसी प्रकार से इसका विपरीत सर्किट भी होता है डी मल्टीप्लेक्सर, जिसे हम आगे वाले लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो 16:1 मक्स, यहाँ पे 4 सिलेक्ट लाइन है। देखिए एम एस बी हमेशा सबसे S3 रहेगी, यानी कि जो बिट पोजीशन के अनुसार एम एस बी रहेगी। अब देखिए जैसे वापस 16 इनपुट चैनल और 4 सिलेक्ट लाइन। अब इसकी ट्रुथ टेबल एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे 4, तो इसमें MSB को हमने पीछे लिख दिया है। MSB हमेशा आगे लिखना चाहिए ताकि इससे क्या है कन्फ्यूजन नहीं होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं यहाँ पे 4 सिलेक्ट लाइंस है, MSB S3 ही लिए हमने, और इनेबल का मान हमेशा देख सकते हैं कि इनेबल का मान क्या रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, इसमें भी वही चीज़ है कि 16 यानी कि चारों के कॉम्बिनेशन सिलेक्ट लाइन की कॉम्बिनेशन के आधार पर हम चैनल को सिलेक्ट करेंगे। एग्जांपल के तौर पर देखिए यहाँ पे जब मैं S0000 बात करता हूँ तो कौन सा चैनल सिलेक्ट होगा, चैनल नंबर 0। उसी प्रकार जब 1111 बात करूँगा तो कौन सा चैनल सिलेक्ट होगा, यहाँ पे 15। अब इसमें देखिए हमने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया है कि इनेबल का मान यहाँ पर 00 रखा है, यानी कि हमने इनेबल को इस प्रकार से एडजस्ट किया है कि उसका मान 0 होने पर चैनल सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं, केवल इनेबल के सिग्नल के आगे नॉट गेट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अगर उसका मान 0 होगा तो वो मान 1 हो जाएगा, अपने आप ही एक्टिव लो ट्रीट करेगा अपने आप को। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं इसके लॉजिक वापस से कॉम्बिनेशनल सर्किट की। इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट को जिस प्रकार से बनेगा, थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने इसको साइज़ में थोड़ा छोटा कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास I01 से लेकर 16 चैनल है और 4 हमारे पास सिलेक्ट लाइंस हैं। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसका जो सर्किट है वो बनेगा, इसमें तकरीबन कुल मिला के 16 एंड गेट है, 4 नोट गेट है और एवं एक और गेट है। तो जो मल्टीप्लेक्सर होते हैं वो एंड गेट, नॉट गेट एवं और गेट के माध्यम से ही बनाए जाते हैं, तो इसमें भी कोई टिपिकलनेस नहीं है। तो ये इस प्रकार से इनका लॉजिक सर्किट बनाया जा सकता है। अब देखिए इसका थोड़ा और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताते हैं ताकि आपको इतने सारे सिग्नल की आवश्यकता ना पड़े। 0 से लेकर हमने यहाँ पे 15, केवल 0 15 वाले ही इनपुट चैनल के लिए गेट दिखाए हैं, बाकी हमने डैश डैश कर दिया है। तो एज इट इज़ ऐसे ही इसमें गेट का कनेक्शन होगा, जैसे ABCD इसमें 4 चैनल है, वहाँ पे S0 S1 S3 और S3 लिया था, यहाँ पे हम ABCD भी उसका नाम ले सकते हैं। तो ABCD यहाँ पे 4 सिलेक्ट लाइन है, देखिए D0। अब D0 आउटपुट पे इस एंड गेट पे आउटपुट आने के लिए यहाँ पे सभी का मान क्या होना चाहिए, 0 0 0 एवं 0, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, D0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सभी इनपुट चैनल के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो होगी, और इसके लिए जो एक्सप्रेशन क्या बनेगी, इसके लिए एक्सप्रेशन यही बनेगी कि D0 A
पी सी टी और ये सभी के साथ बार। तो ये डी जीरो के लिए इस एंड गेट की एक्सप्रेशन रहेगी और ए बी सी डी का सबका मान जीरो होगा तो ही डी जीरो आगे आउटपुट पे ट्रांसफर होगा। तो इसी प्रकार से अन्य इनपुट चैनल्स के लिए भी इसी प्रकार से ए बी सी डी का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब सबसे सिंपल टू सबसे सिंपल मल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं। देखिए अभी तक हमने जो मल्टीप्लेक्सर पढ़े वो भी एज इट इज़ यूज़ लिए जा सकते हैं, परंतु कभी कभी हमें किसी मल्टीप्लेक्सर को बनाने के लिए या किसी सर्किट को बनाने के लिए छोटे मल्टीप्लेक्सर की आवश्यकता भी पड़ती है। जैसे 16:1 मल्टीप्लेक्स को हम 2:1 के माध्यम से भी बना सकते हैं या 4:1 के माध्यम से बना सकते हैं एवं 8:1 के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें इस 2:1 मल्टीप्लेक्सर को भी पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से ही आउटपुट चैनल अंत में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सभी मल्टीप्लेक्सर एक दूसरे के को कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि इनके द्वारा एक दूसरा मल्टीप्लेक्सर बनाया जाता है। जैसे 16:1 2:1 4:1 8:1 के द्वारा बनाया जा सकता है, जैसे 8:1 उसी प्रकार से 4:1 के द्वारा बनाया जा सकता है और 4:1 2:1 के द्वारा बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ इनका यूज़ हम विभिन्न लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए भी कर सकते हैं, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस 2:1 मल्टीप्लेक्सर में केवल दो इनपुट होंगी, क्योंकि 2:1 है और एक आउटपुट होगी और केवल एक सिलेक्ट लाइन होगी ए। ए का मान 0 और 1 होने पर वह आई 0 और आई 1 को सिलेक्ट करेगा। जब ए का मान 0 होगा तो आई 0 सिलेक्ट होगी और जब ए का मान 1 होगा तो आई 1 इनपुट चैनल सेलेक्ट होगा। तो देख सकते हैं बहुत सिंपल सर्किट है इसका, एक दो एंड गेट है, एक और गेट है और एवं एक नॉट गेट है। तो इसके माध्यम से 2:1 मल्टीप्लेक्सर समझा जा सकता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर की। मल्टीप्लेक्सर की बहुत सारी एप्लीकेशन है। मल्टीप्लेक्सर कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होते हैं। जिस कम्युनिकेशन सिस्टम में ये मल्टीप्लेक्सर क्या करते हैं कि बहुत सारे चैनल से डाटा को सिलेक्ट करते हैं और जो सिंगल आउटपुट चैनल है उस पर भेजते हैं। तो कम्युनिकेशन चैनल में देखिए बहुत सारे सिग्नल होते हैं, वो जैसे कि ऑडियो के रूप में हो सकते हैं, वीडियो, उन सबको एक समय पर भेजना मुश्किल होता है। तो उन्हें मतलब सिलेक्ट करके आउटपुट चैनल यानी कि ट्रांसमिशन लाइन पर भेजा जाता है मल्टीप्लेक्सर की सहायता से। उसी प्रकार से टेलीफोन नेटवर्क में भी इसका उपयोग किया जाता है। टेलीफोन नेटवर्क में मल्टीपल ऑडियो सिग्नल्स होते हैं और पर उनको सिंगल लाइन पर ही ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो इस कार्य के लिए मल्टीप्लेक्सर का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर मेमोरी में भी देखिए मल्टीप्लेक्सर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी डाटा को स्टोर कराना पड़ता है। अगर मैं प्रत्येक सिंगल बिट के लिए अलग अलग लाइन इनपुट में लेने लगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा सर्किटरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो वहाँ मल्टीप्लेक्सर का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न सोर्सेज से डाटा को सिलेक्ट करके सिंगल लाइन के थ्रू मेमोरी में पहुँचाता है। तो यह कुछ एप्लीकेशन है मल्टीप्लेक्सर की, और इनको आप इस स्लाइड के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर है यहाँ पर, और हमारे पास 4 इनपुट चैनल है। पहला जैसे MP3 डॉकिंग स्टेशन है, यानी कि एक आईपॉड या MP3 प्लेयर है, और लैपटॉप का साउंड कार्ड है, एक सैटेलाइट सिस्टम से सिग्नल आ रहा है, एक डिजिटल टीवी से सिग्नल आ रहा है, और हमें इससे एक साउंड सिस्टम तक पहुँचाना है। तो हम अब कैसे इसको संपन्न कराएंगे, तो इसको मल्टीप्लेक्सर के द्वारा संपन्न कराया जा सकता है। तो यह सिलेक्ट लाइन के माध्यम से प्रत्येक सिग्नल यानी कि प्रत्येक चैनल को सिलेक्ट करेगा एवं साउंड सिस्टम तक यानी कि जो आउटपुट चैनल है उस पर ट्रांसफ़र कर देगा। तो मल्टीप्लेक्सर बेसिकली क्या काम करते हैं, एज ए सिलेक्टर का कार्य करते हैं। अब मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के रूप में आते हैं, इनको आईसी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए एग्जांपल के तौर में आपको 3 आईसी बता रहा हूँ। जो आईसी है इसमें 4:1 के लिए वह है 74 सीरीज़ की, सभी के लिए 74 सीरीज़ की आईसी इस्तेमाल होती है। तो ये 74 सीरीज़ की आईसीज हैं, जैसे कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए है। ये ड्यूल आईसी है। ड्यूल आईसी का मतलब यहाँ पे जो 4 इनपुट चैनल है वो बार बार दो बार रिपीट होते हैं। 4 इनपुट चैनल को दो पार्ट में लिया गया है, पहले यानी 4 और ये पहले 4 और ये दूसरे 4, ऐसे इसमें दो आउटपुट चैनल है, तो इसलिए ये ड्यूल आईसी कहलाती है, क्योंकि इसमें जो पिन की संख्या है वो इतनी ज़्यादा होने की वजह से इसमें ड्यूल चैनल बनाए जाते हैं।
और 8-to-1 आईसी ये भी 74 सीरीज़ है, 74 सीरीज़ की आईसी है। तो इसमें केवल सिंगल सिंगल टाइम्स पे इनपुट चैनल को लिया जाता है। जैसे ये 8-to-1 आईसी यानी कि इस माफ़ कीजिएगा ये 4-to-1 ही आईसी है, परंतु तो इसको 8-to-1 आईसी के रूप 8-to-1 मल्टीप्लेक्सर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि आप ड्यूअल चैनल जो हैं उनको सिंगल 8 चैनल के रूप में प्रयुक्त ले सकते हैं और आउटपुट हमें प्राप्त हो सकती है। उसी प्रकार से ये 16-to-1 आईसी है जो 74 सीरीज़ की है और इसमें भी सारे सिंगल चैनल हैं। तो इस प्रकार से ये आईसी पैकेजेस हैं जो मल्टीप्लेक्सर के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा मल्टीप्लेक्सर के बारे में जो ई लेक्चर। अब आगे वाले ई लेक्चर भाग में हम या नेक्स्ट ई लेक्चर भाग में हम इनकी एप्लीकेशन और इनके द्वारा किस प्रकार से लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है उनको पढ़ेंगे। तो मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ।